मंदिर, पूजा, भगवान, ये सारे नाम हमारे दिमाग को एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब देते हैं। एंड एक अच्छे से सजा हुआ मंदिर, वो जो धूप एंड घी का स्मेल, वो किसको पसंद नहीं आता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये जो मेरा मंदिर है उसको इस बार गुरुवार पूजा के लिए मैंने किस तरह से अच्छे से डीप क्लीन किया, रीऑर्गेनाइज किया, प्लस अपने भगवान को एक श्रृंगार दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये जो आप देख रहे हो कटिंग्स है ना, इसमें धूल मिट्टी जम जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह के ब्रश की मदद से साफ़ कर देती हूँ। फिर ये जो स्कॉच वाइट लेके मैं पूरा चारों तरफ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एंड इस तरह क्लीन होने के बाद, ये जो आप देख रहे हो पूरा क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है ये। फिर ये जो ऊपर वाला कटिंग है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है वही ब्रश की मदद से। एंड देन फाइनली ये जो मैरीगोल्ड के स्ट्रिंग्स आते हैं ना सेट में, है ये 5 के सेट में, तो उसमें से 4 मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अभी। लेफ्ट साइड में 2 लगाऊंगी, राइट साइड में 2, फिर अपने भगवान को मैं स्थापित कर रही हूँ। तो ये राधा कृष्णा जी, उनके पीछे मोरपंख, कहा जाता है मोरपंख अच्छा होता है घर के लिए, तो इसलिए रखा है। प्लस ये बहुत ही सुंदर लगते हैं यहाँ पर। देन ये जो रेड कलर का देख रहे हो, उस तरह के मैं बिछा के अपने गणेशा जी को रख रही हूँ। एंड मेरे बाकी भगवान जी को अलग अलग जगहों पर मैं स्थापित कर रही हूँ। ये बहुत ही क्यूट लगते हैं मुझे, तो यहाँ पर रख रही हूँ। एंड ये देख पा रहे हो श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी एंड श्री हनुमान, उनको भी रखा। एंड नेक्स्ट अभी बारी आती है लक्ष्मी माँ के श्रृंगार की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैया को स्नान करवाने के लिए मैंने जल लिया है, उसमें ऑलरेडी मैंने हल्दी, चंदन एंड गुलाब जल डाल दिया है, तो उसी में मैं मैया को जो है वो स्नान करवा दूँगी। तो ऑलमोस्ट डन हो गया ये। तो फिर उसके बाद अच्छे से स्नान करवाने के बाद उनको मैं पोंछ दूंगी अभी। तो एक क्लीन नए वाले कपड़े से उनको मैं पोंछ दे रही हूँ। फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उनका श्रृंगार। तो ये श्रृंगार करना मुझे बहुत पसंद आता है, आप लोग बताना आपको पसंद आता है कि नहीं। तो इस तरह का ड्रेस मैंने इस बार लिया है, तो चलिए पहनाते हैं मैया को। तो ये हो गया, फिर आते हैं ऊपर वाले हिस्से की। तो इस तरह से मैंने मैचिंग करके लिया था। एंड ये माला बहुत सुंदर लगता है मुझे ये माला, तो ये भी रखा। फिर नेक्स्ट आते हैं मुकुट की। तो ये बहुत क्यूट सा मुकुट यहाँ पर मैंने लिया है इस बार। तो देख पा रहे हो मैया कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है मुझे। तो इस तरह का एक मेरे पास आसन है, उसके ऊपर मैया को स्थापित करते हैं। तो देख सकते हो अभी मैया को यहाँ पर रख दिया मैंने। फिर ये लोटस, मतलब इनके बिना तो लक्ष्मी जी की पूजा जो है वो अधूरा ही है। तो फिर मैंने एक लोटस जो है वहाँ पर सजाया, फिर ऊपर मैंने इस तरह से एक माला रख दिया। तो मेरी मैया रेडी हो गई। अब चलते हैं बाल गोपाल। तो बाल गोपाल ना, मुझे ऐसा लगता है मन में, जैसे हमारे घर में बच्चे नहीं होते हैं, जब बड़ों का ड्रेस होता है तो वो रोते हैं कि मुझे भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरे, मतलब भगवान जी को जब श्रृंगार किया जाता है, जैसे बाल गोपाल बोल रहे कि मुझे भी थोड़ा श्रृंगार कर दो, मेरा भी। तो इसलिए मैंने उनको भी स्नान करवा के उनको भी मैं रेडी कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं अभी बाल गोपाल। ये ड्रेस भी बहुत ही क्यूट ही है। तो फिर अब चलते हैं उनके दूसरे श्रृंगार की तरफ। तो उनको भी यहाँ पर एक डाल दी हूँ। सर्दी है, मुझे लगता है थोड़ा सर्दी लग रही होगी उनको, तो इसलिए मैंने उनको ये पहना दिया। फिर ये है उनका गले का, फिर ये मुकुट, एंड लास्ट में इसके बिना तो अधूरा ही है, तो बांसुरी। फिर ये बांसुरी भी लगा देंगे यहाँ पर। तो बाल गोपाल रेडी हो गए अभी, कितने प्यारे लग रहे हैं देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो उनको भी यहाँ पर स्थापित कर देंगे। तो फिर अब चलते हैं दोस्तों, जो भी सामान है मंदिर के, तो उसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो इस तरह के मेरे पास 4 बास्केट है, यहाँ पर एक ही ड्रॉ में सारा सब कुछ आ जाते हैं। तो इस ड्रॉ का एक्चुअली डेप्थ जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैं नीचे ये दोनों बास्केट कवर वाले रख रही हूँ, जिसमें मैं क्या रखती हूँ मैं दिखाऊंगी आपको। फिर ऊपर ये जैसे यहाँ पर घी है, होममेड घी, एंड ये कुछ तिल है, प्लस जो भी ज़रूरी सामान है पूजा का वो सारा रखती हूँ। फिर इस वाले बास्केट में भोग रखती हूँ, एंड धूप, हल्दी, चंदन, वो सारा सब कुछ रखती हूँ। फिर साइड में जो जगह बच रहा है ना, इस तरह एक बैग में ये सारे धूप जो है मैं रख देती हूँ। तो ये पूरा परफेक्टली वहाँ पर रह जाता है, बिल्कुल किसी के साथ भी मिक्स नहीं होते। एंड इस साइड में ये जो बच रहा है, इसमें ये वाला पतला वाला एक रख रही हूँ, एंड एक नाइफ प्लस एक सीजर भी यहाँ पर मैं रख देती हूँ। फिर ये कुछ कपड़े हैं भगवान को पोंछने के लिए। तो फिर अब देख लेते हैं किस तरह से ये वाला ड्रॉ दिखाई दे रहा है।
सो ये सबसे पहले ये सारे इंसेंस स्टिक आप देख पा रहे हो नए एंड जो भी यूज़ में है सारा सब कुछ उसी में रखा है। फिर ये जो पतला वाला रखा था उसमें कुछ ये सारे सामान रखे हैं, ये ब्लू वाले में देख रहे हो ये सारे यहाँ पर जो भी डेली यूज़ में आते हैं ना, भोग हो गया, चंदन, हल्दी, गंगा जल, ये सारा रखा है। एंड उसके साइड में ये जो बॉक्स रखा है मैंने बास्केट, उसमें ये कुछ पैकेट्स जो नए वाले हैं यूज़ नहीं हुए अब तक उनको रखा है। फिर जो दूसरे वाले साइड में है उसमें पीतल के छोटे छोटे जो भी बर्तन एंड वो सारा है उनको रखा हुआ है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इस पूरे एरिया को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो जितने चाहिए डेली यूज़ में वो ऊपर ही रखा है, जो बाद में यूज़ में आने वाले वो नीचे रखा है। तो इसके बाद चलते अभी फूल से सजा देते भगवान जी को। तो मैं गेंदे का फूल लाई हूँ, हल्दी जो भी कलर में मुझे मिला वो लाई हूँ। तो इस तरह से मैं सजा रही हूँ। तो आप लोग भी मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना किस किस को ये सारा सब कुछ पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है कि इनको एक करके भी। तो एक यहाँ पर मैं शंख भी रख रही हूँ। एंड इस बार दिवाली के टाइम पे ये मैंने लिया था, बहुत ही बड़ा सा एक दिया, बहुत ही सुंदर सा, तो उसको भी यहाँ पर अभी रख रही हूँ पूजा के लिए। एंड ये जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, एंड कुछ मैं मंदिर से भी लाई हूँ तो वहाँ से पूजा कर रही हूँ, यहाँ पर भगवान जी को चढ़ा रही हूँ प्रसादी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डीक्लटरिंग का काम, रीऑर्गेनाइजेशन का काम सब कुछ ख़त्म हो गया एंड मेरा पूजा भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी आप लोग एक बार देख लो कि ये जो मंदिर है अभी कैसा लग रहा है, मेरे भगवान कैसे दिख रहे हैं, मेरी जो मैया लक्ष्मी माँ है, गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। ओके दोस्तों, सो अभी थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ जो मंदिर का डोर है वो कैसा लग रहा है। तो ये जो डोर आप देख रहे हो इसमें ये CNC कटिंग हमने करवाया है, तो मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेके ये खुद से ड्रॉ करके दिया था। एंड ये जो कटिंग है ना उसमें इस तरह का हैंगिंग लगा दिया है, उसमें बेल है तो खोलते बहुत ही अच्छा साउंड आता है। एंड ये गोल्डन फिनिश में हमने लगवाया है ये जो हैंडल, जैसे ही खोलते हैं ये रहा हमारा मंदिर। तो मंदिर का ये जो पीछे वाला आप देख रहे हो ये कोरियन सीट का है, उसमें हमने इस तरह का कटिंग करवाया है। एंड ऊपर जो देख रहे हो मंदिर वाला लुक आने के लिए इस तरह से हमने मंदिर टाइप का कट करके लगवाया है। एंड ये ओम है पीछे, एंड उसके साइड में जो है भी छोटे छोटे हमने कटिंग करवाए हैं। तो ये पीछे वाला जब लाइट लगता है बहुत अच्छा लगता है। एंड ये जो आप बीच में देख रहे हो लेज टाइप का, तो एक्चुअली वैसे तो हम साइड में भी करवा सकते थे लेकिन मुझे इस तरह का चाहिए था कि ओम जो है वो अच्छे से दिखे, तो इसीलिए हमने इस तरह का किया हुआ है। तो ये रहा मेरा मंदिर एंड कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से सजा दिया है। सो क्योंकि मैंने बोला गुरुवार था तो हमारे यहाँ पर उड़ीसा में माणबसा गुरुवार बोलते हैं उसको, तो जहाँ पर चावल के इस तरह से पिट्ठू से दिया जाता है तो मैंने भी कोशिश किया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको भी अपने मंदिर को सजाने का कुछ आइडिया मिला होगा। इफ यस देन प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ टू कंसिडर टू सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।